हेलो प्लीज, कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद कैसे बनेगा, बन सकता है क्या? कब्रिस्तान की जमीन थी, इट वॉज अलॉटेड फॉर कब्रिस्तान, तो मस्जिद कैसे बनेगा वहाँ पे? कब्रिस्तान मतलब दिस वॉज मतलब ये लैंड रिकॉर्ड में कब्रिस्तान रिकॉर्डेड था, नजूल की मतलब गवर्नमेंट लैंड था, इस पे जो रिकॉर्ड है ना वो कब्रिस्तान, तो वही उस प्लेस में कैसे आप अपना रिलीजियस वो कर सकते हो, आप ये बताइए जरा हमको। उस पे मतलब क्योंकि जमीन मतलब 0.36, अरे आप उसमें आप कैसे करोगे कंस्ट्रक्शन, ये तो बताओ पोर्शन जो अलॉट किया गया होगा, कैसे होगा? जो जमीन कब्रिस्तान के लिए है वो कब्रिस्तान के लिए रिजर्व रहेगी, सरकारी जमीन है, इसका मतलब थोड़ी नहीं कोई कलेक्टर अपने मन से कर सकता है। अरे किसी को शांति से मरने तो दो। आप वक्त प्रॉपर्टी हो गया नहीं मैडम, वही मतलब ये प्रॉपर्टी है मतलब ये गवर्नमेंट लैंड है मैलोड, इसका मतलब प्लेन देखे मैलोड, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स एनेक्स विद प्लेन है, मतलब प्लेन के साथ मैंने एक मेंटेनेंस खसरा की कॉपी और इसमें जो प्लॉट नंबर है मतलब विलेज बांझीपाली प्लॉट नंबर 1 एरिया 0.36 और ये शमशान एवं कब्रिस्तान नाम से रिकॉर्ड है मतलब नजूल, उसके आगे में जो ओनरशिप है मतलब डिटेल्स ऑफ द नजूल मैलोड, मतलब दिस लैंड हैज बीन अलॉटेड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ मॉस्क इन द ईयर 2012 एंड 13। इसके बाद वाला मेंटेनेंस का सारा देखा मतलब उसमें लिखा हुआ है न्यायालय नजूल अधिकारी रायगढ़ के प्रकरण क्रमांक 512/13 आदेश दिनांक 20/1/13 के अनुसार 3500 वर्ग फुट ने रजा मस्जिद निर्माण हेतु अध्यक्ष जामा मस्जिद नूरी मस्जिद ट्रस्ट कमेटी रायगढ़ को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। मतलब तो लैंड इज मतलब बिलोंग्स टू द, आपने कोई सिविल सूट भी फाइल किया था, डब्ल्यूपीसी फाइल की थी, मतलब वही कोर्ट ने मतलब उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, मतलब कोर्ट ने ये बोला है कॉपी कहां थी, मतलब दैट वुड हैव बीन फाइल्ड अलोंग विद द मतलब एप्लीकेशन अंडर 7 रूल 11 मतलब हमारे पास कुछ नहीं है भाई यहां पे, फाइल कीजिए ना क्योंकि मतलब कोर्ट ने उसी पे रिलाई किया है, नहीं तो फाइल कीजिए ना हमारे पास मतलब आपने तो कुछ पर नहीं नहीं ऐसे नहीं फाइल करी भाई, ऐसा नहीं नहीं मतलब क्योंकि कोर्ट ने रिलाई किया मतलब वो रिकॉर्ड में होगा मतलब अलोंग विद देयर एप्लीकेशन, रिकॉर्ड कहां आ गया, रिकॉर्ड आ गया क्या, रिकॉर्ड नहीं आया ना, मतलब ट्रायल कोर्ट ने उसी पर रिलाई करते हुए डिसमिस किया है। मतलब दिस वाज द मेयर सबमिशन ऑफ द काउंसिल जिस पे कोर्ट ने रिलाई कर दिया ये बोलते हुए कि जो मस्जिद तोड़ी गई और जो बनाई गई दोनों एक है, इसके आधार पे कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये वक्त की प्रॉपर्टी है। मतलब मैं सीधा ऑर्डर 21/1/2020 का जो ऑर्डर है, the prayer in the present writ petition is for the direction for respondent in deciding the representation and time frame manner. Grievance of the petitioner seems to be that at Raza Masjid at Jute Mill Raigad there is no committee constituted. Counsel for the respondent number 2 and 3 submits that it is a case where Raza Masjid has been constructed in the year 2019 and the said masjid was constructed in lieu of the demolition of an earlier masjid and which has to be demolished on account of widening of road which took place in the year 2012. Counsel appearing for respondent number 2 and 3 further submits that the said masjid, the work board has already by order dated 15/11/2019 appointed a committee. Perusal of the record would show that this order dated 15/11/2019 passed by the work board is not challenged by the petitioner before any court of law. The only contention of the petitioner is that order annexure P4 shows the committee has been constituted for Makkah Masjid and there is no Makkah Masjid in existence and the petitioner claims for formation of a committee at Raza Masjid. According to the counsel for the respondent number 3, Raza Masjid and Makkah Masjid is the same masjid except of the fact that Makkah Masjid was earlier masjid which stood demolished in the year 2012. Raza Masjid is a new masjid constructed at a place where land was provided by the government in lieu of demolition of previous masjid known as Makkah Masjid. Therefore, Makkah Masjid and Raza Masjid have to be considered as the same masjid. This was the submission of the council. Given the facts and circumstances of the case, this court is of the opinion that no fruitful purpose would be served in issuing any sort of direction. What was your suit? My lord? What was your suit? If my lord may see my suit, my lord. Yes. My lord, the suit, my lord? Yes. My lord, the first prayer which I have sought, my lord, is that the masjid which has been constructed over the land which has been allotted by the government is the Vedic Adhikar ki masjid hai, malad, it is a rightful masjid belonging to the plaintiff, malad, which is the committee, malad. Malad, Raza Masjid Trust Committee, malad, since they have constructed the masjid, malad, it is they have the malad, the rightful owners of the masjid, malad. And malad, secondly, malad, a relief of permanent injunction was sought
so that to the effect that the respondents may be restrained from interfering Malone and constructing any over any portion of the said land Malone. If Malone may see Malone, what is the definition of work Malone under the Work Act? Now please tell me, what is your plaint amendment? Please read out. Malone? Plaint ko padhiye bataiye jara. Malone, plaint. कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद कैसे बनेगा बन सकता है क्या मतलब दिस वाज परमिशन वाज मतलब टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट सी दी होल एक्शन इज इलीगल कब्रिस्तान के लिए लैंड वाज कैन बी लैंड यूज भी कैन बी चेंज कब्रिस्तान की जमीन थी इट वाज अलॉटेड फॉर कब्रिस्तान तो मस्जिद कैसे बनेगा वहां पे प्लीज टेल अस आपकी प्लीडिंग में पहली बार लिखा है कि मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान की हेतु प्रदान की गई थी और उसी प्लाट में वादी द्वारा 3900 वर्ग फीट पर रजा मस्जिद एवं दुकान का निर्माण किया गया है माय लॉर्ड तो ये जो है 3900 वर्ग फीट को कैसे कन्वर्ट करोगे कब्रिस्तान मुस्लिम समाज की थी नहीं मतलब कब्रिस्तान मतलब दिस वाज मतलब ये लैंड रिकॉर्ड में कब्रिस्तान रिकॉर्डेड था नजूल की मतलब गवर्नमेंट लैंड था इस पे जो रिकॉर्डेड था वो कब्रिस्तान वही उस प्लेस में कैसे आप अपना रिलीजियस वो कर सकते हो आप ये बताइए जरा हमको मतलब विद द परमिशन ऑफ द कलेक्टर नो नो हाउ कैन द कलेक्टर विल बी कैन बी लैंड यूज बी चेंज हाउ कैन इट बी भाई जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान है उस पे मतलब क्योंकि जमीन मतलब 0.36 अरे आप उसमें आप कैसे करोगे कंस्ट्रक्शन ये तो बताओ पोर्शन जो अलाउड किया गया होगा कैसे होगा जो जमीन कब्रिस्तान के लिए है वो कब्रिस्तान के लिए रिजर्व रहेगी सरकारी जमीन इसका मतलब थोड़ी नहीं कोई कलेक्टर अपने मन से कर सकता है व्हाट इज द प्रोसीजर डन बाय द कलेक्टर इन ग्रांटिंग दिस परमिशंस मतलब देयर वाज अ प्रॉपर रेवेन्यू केस व्हिच हैज बीन मतलब ऑर्डर्ड मतलब अलोंग एंड वेदर 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 इग्नोरिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ कैन बी कैन दिस ऑर्डर बी पास मतलब आप हमको तो बताइए दैट आई हैव टू सी मतलब बट इसमें प्रॉपर ऑर्डर शीट चल के एक रेवेन्यू केस होके इनको परमिशन दी गई थी कैसे वो सब बताइए हम देखिए हमको पहले चीज समझाइए कि कैसे आप कब्रिस्तान की जमीन को मस्जिद में बना देंगे कैसे होगा वो तो बताएं माय लॉर्ड टेल अस द लॉ आई डोंट थिंक ये मंदिर अपने मस्जिद अपने कब्रिस्तान को आप जामा मस्जिद बना दोगे रजा मस्जिद बना दोगे और वहाँ दुकान भी खोल दोगे हाउ कैन यू ओपन दी शॉप्स मतलब इलीगल है दोनों पक्ष आपके इलीगल है प्लेंटिव भी डिपेंडेंट भी अरे किसी को शांति से तुम शांति से मरने तो दो